नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। तो पहली और बड़ी खबर जापान से आई है, जहां पर एक शख्स 18 लाख रुपए खर्च करके एक ऐसी चीज खरीदता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये शख्स, जिसका नाम टोको बताया जा रहा है, इसकी दिली इच्छा थी और यूं कहें कि बचपन की इच्छा थी कि ये एक कुत्ता बने। सोचिए कितनी हैरान करने वाली ये खबर है। तो इसने 18 लाख रुपए खर्च करके एक ऐसी कंपनी को ढूंढा जो मूवीज़ और एड्स के लिए ऐसी ड्रेसेस बनाती है। तो इसने वो पैसे दिए और एक कुत्ते की ड्रेस बनवाई, जिसे पहनकर ये सड़कों पर घूमता है। इसके साथ एक महिला भी आपको नजर आएगी, जो हम इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ये उन कुत्तों से भी मिलता है, लेकिन शुक्र की बात यह है कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, वरना इसके ऊपर कई जानवर हमला भी कर सकते थे। जब इससे पूछा गया कि इसने अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखाया, तो इसने कहा कि जिन लोगों के साथ ये काम करता है वो लोग इसे सामान्य नहीं समझते, उनके लिए लगता है कि शायद ये शख्स पागल हो चुका है, इसलिए वो अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता है। अगली खबर यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन से 500 किलोमीटर की दूरी पर मॉस्को और उसके आसपास के क्षेत्र पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में किसी को भी चोट नहीं आई है, लेकिन एक कमर्शियल बिल्डिंग पर यह हमला किया गया है। उसके जो कांच थे वो सारे बिल्डिंग के टूट चुके थे। इस वीडियो में हम आपको वो पिक्चर दिखा रहे हैं। 3 दिन में ये रशिया में दूसरा ऐसा ड्रोन से अटैक किया गया है। अगली खबर रशिया से आई है, जहां पर यूक्रेन ने जो ड्रोन से हमला किया था उसका जवाब अब रशिया ने मिसाइल से दिया है। यूक्रेन की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर मिसाइल दागी गई, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग इसमें घायल हुए। आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। इसमें शामिल एक मासूम लड़की भी है और उसकी माँ भी शामिल है, जो इस हादसे में मारे गए हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि रशिया उनके कंट्री का पीस डिस्ट्रॉय कर रहा है, लोगों के घरों को बर्बाद कर रहा है। ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कभी एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, कभी वही देश बदला लेने के लिए फिर से हमला करता है। अगली खबर आई है नॉर्थ कोरिया से, जहां पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने प्रेसिडेंट पुतिन की तस्वीरें अपने गवर्नमेंट ऑफिस में लगवाई। ये देखकर आपको हैरानी होगी, लेकिन वहाँ की मीडिया ने जब ये पिक्चर्स साझा की तो ये सामने निकल कर आया कि रशिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो उनसे मिलने गए थे, जिसके सिलसिले में उनके आने से पहले ही ये तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई। इसके पीछे की जो एक वो थॉट देना चाहते थे वो ये कि उन दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे और उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती को वो दर्शा रहे थे ये पिक्चर्स को लगाकर। अगली खबर है कनाडा से, जहां पर एक भारतीय मूल के शख्स सिमरनजीत सिंह दोषी पाए गए। इनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नाम सामने आया है। दावा किया गया है कि 2020 से लेकर 2021 तक कई लोगों को कनाडा से यूएस भेजा गया है इलीगल तरीके से। इस सिलसिले में ये 4 लाख से लेकर 28 लाख तक पैसे वसूल करते थे सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कराने में। इस सिलसिले में 28 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। इसमें कई सालों तक सिमरनजीत सिंह को सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।